हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन एट आवर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल. माई सेल्फ आनंद मिश्रा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ ओम्स लॉ. तो आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग डिस्क्राइब करने जा रहे हैं ओम्स लॉ को. अ जर्मन साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम establish a relationship between the current and the potential difference across any conductor on the basis of his observation or experiment which are called as Ohm's law. तो सन यहाँ पर हम बात कर लें 1828 में एक जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने किसी कंडक्टर को लेकर के उसके सिरों पर आरोपित पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें फ्लो होने वाली करंट के बीच में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उनमें क्या किए, एक रिलेशन इस्टेब्लिश किए जिसको हम लोग ओम के लॉ के नाम से जानते हैं. तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ओम्स लॉ क्या है. कि इफ़ ऑल द फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ कंडक्टर रिमेन कॉन्स्टेंट देन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन इट. देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम किसी चालक की सभी फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट कर दें, फिजिकल कंडीशंस का मतलब जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, ब्रीथ, हाइट, वॉल्यूम एट्सेट्रा. तो अगर हम किसी कंडक्टर की सारी फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कंडक्टर के क्रॉस यानी कंडक्टर के सिरों के बीच में जो हम अप्लाई करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होगा कि उसमें फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. लेट सपोज दिस इज कंडक्टर, इफ यू अप्लाइड द पोटेंशियल डिफरेंस बी अक्रॉस द कंडक्टर, अगर हम लोग इसके सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करें और इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है वो कितनी हो, आई हो, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी कैन राइट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन इट. इट मीन्स दैट वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इफ ऑल द फिजिकल कंडीशन लाइक एज टेम्परेचर, प्रेशर एट्सेट्रा विल रिमेन कॉन्स्टेंट. Then V directly proportional to I. Here we remove the proportionality sign and use a constant R which is called as the proportionality constant. Then this equation becomes V is equal to I R, where R is a proportionality constant. यहाँ पर आप गौर करेंगे कि R जो है वो एक proportionality constant है जिसको हम लोग बोलते हैं proportionality constant है जिसको हम लोग बोलते हैं resistance of the conductor. तो इसको हम लोग बोलते हैं resistance, ये जो R है इसको हम लोग बोलेंगे resistance of the conductor. देन देखिए जो ओम्स लॉ है जो आप लोग पढ़ते हैं, आपसे पूछा जाता है कि ओम्स लॉ क्या है, तो आप कहते हैं वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर. दैट्स नॉट द ओम्स लॉ. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दिस इज ओम्स लॉ. और द रेशियो ऑफ वी एंड आई इज अ कॉन्स्टेंट, इट इज ओम्स लॉ, नॉट द वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर. तो ओम्स लॉ जो हम बोलते हैं तो उसका मतलब है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हमने और जो उसमें करंट है उन दोनों का जो रेशियो होगा वो कॉन्स्टेंट होगा, ये ओम्स लॉ होता है. तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, आर प्रोपोर्शनली कॉन्स्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं कि रजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. एंड फ्रॉम हियर इट इज सीम्स दैट आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, सो इट इज सीम्स दैट द रजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डिपेंड्स upon the potential difference and current. But you must have remembered that the resistance of a conductor does not depends on the voltage and current. It is independent from the voltage and current. But it depends on the some fact that is nature of material. यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, इसके लेंथ पे डिपेंड करता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है. आप याद रखेंगे कि जो ये आर होता है ये वोल्टेज और करंट से इंडिपेंडेंट होता है, जबकि ये नेचर ऑफ मटेरियल लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है. इफ यू वॉन्ट टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ऑन द कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग इन इट देन द ग्राफ ऑब्टेन हियर. देखिए अगर हम इसके के बीच में अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमको ग्राफ मिलता है कि स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन हमको दिखाता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एज वेल एज द पोटेंशियल इंक्रीजेज देन द करंट इज आल्सो इंक्रीजेज. तो आपको हो सकता है कि यहां पे चेंजिंग मिल सके, तो बुक में आपको यहां पे V और यहां पे भी I मिल सकता है. तो देयर इज नो एनी इफेक्ट इफ वी टेक वोल्टेज अलोंग X एक्सिस एंड करंट अलोंग Y एक्सिस देन द
स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, अगर हम इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो हमको, या फिर हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं कि स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू आई अपान वी, दैट इज वन अपान आर। अगर हम यहाँ पे स्लोप निकालें तो स्लोप अगर निकालेंगे तो आपको स्लोप कितना मिलेगा, दैट इज टेन थीटा। अगर आप निकालें तो आपको मिल जाएगा आई अपान वी, तो हमको आई अपान वी का मतलब क्या है, वन अपान आर। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो दैट्स द ओम्स लॉ, ये तो ओम्स का लॉ रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिड्यूस करेंगे, इसको ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए इससे पहले करंट कंडक्शन इन मेटालिक कंडक्टर में आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन किया है, तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वी डिराइव ओम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेसिस पर क्या करेंगे कि ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। लेट अस सपोज अ कंडक्टर ऑफ लेंथ यल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। मान लेते हैं हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ एल और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। व्हेन वी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बी अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, देन करंट आई विल फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, एंड इन दिस फेनोमेना द इलेक्ट्रॉन्स आर मूव विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। और इस फेनोमेना में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ही हम एक्सटर्नल यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई करेंगे और इसके सिरों के बीच में एक्सटर्नल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करेंगे विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। ये vd वेलोसिटी से मूव करना शुरू करेंगे। एंड वी ऑलरेडी डिराइव एन इक्वेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू स्मॉल e कैपिटल e tau अपॉन m। इक्वेशन फर्स्ट, वेयर स्मॉल e इज 1.6 * 10 पावर -19 कूलम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। m की बात कर ले तो m क्या है, 9.1 into 10 power minus 31 kg, that is mass of electron. E, external electric field which we apply on the conductor, that is from positive terminal to negative terminal. And tau is the relaxation time between the collision. तो ये collision के बीच का, electronों के collision के बीच का relaxation time है, यहाँ पे tau से दिखा रहे हैं। तो VD के लिए expression हम पहले से derive कर चुके हैं। Now we also know that the relation between current, electric current and drift velocity. हम लोग इससे पहले जानते हैं कि the relation between इलेक्ट्रिक करंट आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। तो हम आई और वी डी के बीच में रिलेशन जानते हैं, दैट इज आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। हम लोग इस इक्वेशन को डिराइव कर चुके हैं इससे पहले, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। वेयर, यहाँ पे हम बता सकते हैं कि वेयर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप बता सकते हैं कि जो ये n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, मतलब इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोल सकते हैं यहाँ पर, तो ये है। चलिए क्या करते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ VD फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकेंड, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड में VD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमको क्या मिलेगा, आइए देख लेते हैं। I इज इक्वल टू एन ई ए और VD की जगह हम वैल्यू रखेंगे E इंटू कैपिटल E टाउ बाई एम। हम लोग ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो चलिए देखिए कितना आ जाएगा, बट यहाँ पे आपको मिलेगा वैल्यू एन ई स्क्वायर और ये मिल जाएगा कि A और इंटू E इंटू टाउ अपान एम। बट हम लोग जानते हैं कि E इज इक्वल टू V बाई एल फॉर अ कंडक्टर। हम लोग जानते हैं कि द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इज गिवन एज E इज इक्वल टू V बाई एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। देन E इज इक्वल टू, अगर हम लोग E इज इक्वल टू V बाई एल जान रहे हैं तो देन हम लोग कितना लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो I इज इक्वल टू हमको मिलेगा कितना कि एन ई स्क्वायर ए वी इंटू टाउ अपान यम इंटू एल, आपको ये मिल जाएगा वैल्यू। अब हम लोगों को करना क्या है, हमको V अपान I निकालना है, ओम्स लॉ हमको प्रूव करना है। V अपान I मतलब वोल्टेज और करंट का रेशियो यहाँ पे चाहिए हमको, तो हम लोग क्या करते हैं V अपान I ऑप्टेन करते हैं, I को यहाँ पे नीचे लेके चलते हैं। तो V अपान I अगर हम इस इक्वेशन से निकालें तो V अपान I कितना मिलेगा कि एम एल अपान यन ई स्क्वायर ए टाउ, आपको ये मिल जाएगा। तो हमको मिला वैल्यू V अपान I इज इक्वल टू एम एल अपान यन ई स्क्वायर टाउ, हमको वैल्यू मिला। बट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, अगर हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे बात कर लें, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे बात करें, एट अ गिवन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर दिया गया एट अ गिवन टेम्परेचर,
कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और गिवन टेम्परेचर पर अगर हम बात करें तो एम दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंट, यल यहाँ पे यल भी कॉन्स्टेंट होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर यन भी कॉन्स्टेंट होगा, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ई दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टाउ आल आर कॉन्स्टेंट। आप लोग देखेंगे कि अगर टेम्परेचर दिया गया है, टेम्परेचर आपको पहले से प्रोवाइड किया गया है या कॉन्स्टेंट रखा गया है, तो ये जितनी भी क्वांटिटीज आप इसमें आ रही हैं यानी कि एम एल अपान एन ई स्क्वायर टाउ ये आपको कॉन्स्टेंट मिल जाएगी, एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ जो है वो आपको कॉन्स्टेंट यहाँ पे मिलेगा। तो अगर ये एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ कॉन्स्टेंट है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम दिस इक्वेशन लेट अस सपोज थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी अपान आई इज इक्वल टू हमको यहाँ पे मिल जाएगा कांस्टेंट, ये आपको कांस्टेंट की वैल्यू मिल रही है। तो या फिर अगर कांस्टेंट की वैल्यू है तो हम लोग कांस्टेंट को रिमूव करके यहाँ पे लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I व्हेन द टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन इट, इट मीन्स दैट इज फॉलो ओम्स लॉ। तो आप लोग कह सकते हैं यहाँ से ये ओम का नियम सा सत्यापन है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं विच प्रूव्स जो कि प्रूव करेगा, विच प्रूव्स ओम्स लॉ, जो क्या करता है कि ओम्स लॉ को प्रूव करता है। एंड हियर वी गेन द कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट हमको मिला इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ से कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन अगर आप थर्ड और यहाँ पे इसको हम लोग अगर फोर इक्वेशन कर लें तो कंपेयरिंग द इक्वेशन थर्ड एंड फोर वी गेट द कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो इस वैल्यू को आप रेजिस्टेंस के याद रखेंगे, इट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ मास लेंथ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर एंड इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। तो इस वैल्यू को आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखेंगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको मिल रही है आर, वो कितना मिल रही है एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये वैल्यू बार बार यूज होगी आपको, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तो ये हमने डिड्यूस किया किसको, ओम्स लॉ को, किससे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हमने ओम का नियम फाइंड किया यहाँ पे। अब हम लोग अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ देखने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। देखिए इसको हम लोग कई नाम से जानते हैं, या तो हम इसको बोल सकते हैं अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या फिर बोल सकते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, तो हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या फिर रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी जे, कंडक्टिविटी सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो हम लोग इसको इससे भी जान सकते हैं कि सिग्मा जे और ई में रिलेशनशिप। तो इसको किसी भी नाम से आपके एग्जाम में दिया जा सकता है, तो आप लोग इसको रिलेशन को डिराइव कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी जे एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोग करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन पढ़ चुके हैं, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, और करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन हमको मिलता था जे इज इक्वल टू एन ई वी डी। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे वैल्यू रखते हैं जे इज इक्वल टू एन ई वी डी विथ नेगेटिव साइन, हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन of current density is in the opposite direction of flow of electron. As we know that the direction of current density is in the direction of current and the direction of drift velocity of electron is in the opposite direction of current. So J and VD both are in opposite direction. So in vector form we can write J is equal to minus of NE VD. And we also know that the drift velocity, हम लोग इससे पहले drift velocity के लिए भी expression निकाल चुके हैं. Drift velocity VD is given as माइनस ई इंटू कैपिटल ई टाउ अपान एम। तो हम लोग इसके लिए पहले भी रिलेशन वेक्टर फॉर्म में निकाल चुके हैं, वी डी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई टाउ अपान एम। तो आप अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड की ओर लेंगे तो माइनस साइन नहीं लेंगे, लेकिन हम वेक्टर फॉर्म में ड्राइव कर रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वी डी इन दिस इक्वेशन, अगर हम वी डी की जो वैल्यू हमको मिली इसको हम लोग इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वेशन यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, यानी कि जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन ई वी डी, और इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वीडी की इक्वेशन वीडी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो चलिए देखिए कितना आते हैं यहाँ पे, जे इज इक्वल टू अगर हम बात करें तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, और वैल्यू हमको मिलेगी एन ई वी डी की वैल्यू हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, तो हमको ये मिल जाएगी कितनी कि ई इंटू ई, यहाँ पे आपको वेक्टर दिखाना है तो आप वेक्टर दिखा सकते हैं, जे इज इक्वल टू ई इंटू ई
टाउ अपान, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एम, तो ये वैल्यू हमको यहाँ पे निकल करके आएगी। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमको कितना मिल जाएगा, जे वेक्टर जे इज इक्वल टू आपको मिलेगा एन ई स्क्वायर टाउ अपान यम और इन टू वैक्टर ई, आपको ये वैल्यू फाइंड होगी। बट दिस इज आपको यहाँ पे इसको अगर हम कन्वीनियंस फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम लिख कितना सकते हैं कि वन अपान यम अपान यन ई स्क्वायर टाउ और मल्टीप्लाइड बाई ई, तो इसको हम ई से यहाँ पे मल्टीप्लाइड दिखा सकते हैं, इंटू ई लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू अपान यम अपान यन स्क्वायर टाउ की आई, इसको हम लोग रजिस्टिविटी बोलते हैं। और अगर आपको यहाँ पे समझना है कि किस तरीके से वैल्यू आ रहा है तो आइए चले हम देख लेते हैं। आपको आर की वैल्यू इससे पहले हमने निकाला, डिराइव किया, कितना आया यम यल अपान यन ई स्क्वायर ए टाउ। इससे पहले हमने आर की वैल्यू निकाली जो कि आया हमको एम यल अपान यन ई स्क्वायर ए टाउ आया। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं यम अपान यन ई स्क्वायर टाउ और ये यल बाई ए को हम बाहर ले लेते हैं। अब इसका कंपैरिजन जरा सा हम इस फार्मूले से करते हैं, आर इज इक्वल टू रो इनटू यल अपान ए, दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, आप लोगों को पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को जरा सा कंपेयर करते हैं तो आपको रो की जगह नजर आएगा यम अपान यन ई स्क्वायर टाउ। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि सिंस यम अपान यन ई स्क्वायर टाउ इज इक्वल टू रो, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी, ये क्या है आपका रेजिस्टिविटी है। तो हम लोग अगर ये रेजिस्टिविटी है तो यहां पे इसको प्लॉट कर सकते हैं। अगर हम यहां पे प्लॉट करें तो जे इज इक्वल टू आपको मिलेगा वन बाई रो इन टू ई, आपको मिल जाएगा इक्वेशन। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन जे रो एंड ई, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, करंट डेंसिटी जे और आपका रेजिस्टिविटी रो में रिलेशन है। बट हम लोग इससे पहले ये भी पढ़ करके आए हैं कि सिंस वन बाई रो मतलब कि वन अपान रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी एंड डिनोटेड बाई सिग्मा, बट वन बाई रो इज इक्वल टू सिग्मा और इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो हम लोग क्या करते हैं कि कंडक्टिविटी के टर्म में अगर लिखना चाहें तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं जे इज इक्वल टू सिग्मा इन टू ई। तो ये जो रिलेशन आ रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये आपका वेक्टर फॉर्म होगा, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है अल्टरनेट फॉर्म है किसका, ओम के नियम का, जे इज इक्वल टू सिग्मा इन टू ई और जे इज इक्वल टू वन बाई रो इन टू ई। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।